सबसे पहले अहम खबर आपको दें। पावर सेक्टर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद होशुरबा इंकशाफात सामने आ गए। 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सब्सिडी और गिरदिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। अवैस क्यारी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, 13 सालों में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट बता रही है कि सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है और इससे बिजली के नरखों में कमी के लिए और गर्दिशी कर्जे की कमी के लिए हंगामी इकदाम की सिफारिश की गई है। ये बताया गया है कि सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे में सूबों को भी शामिल किया जाए और आइंदा 5 सालों तक नए पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की गई है। ज़ेर तामीर पावर प्लांट पर नजरसानी, 25 साल वाले जो प्लांट से बिजली खरीदना जो है वो बंद की जाए, ऐसा कहना है रिपोर्ट में। जबकि के इलेक्ट्रिक के 1600 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने से भी रोकने की जो है सिफारिश की गई है। 16 IPPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की, जिसने 415 अरब रुपए से जायद का इन्होंने मुनाफा हासिल किया और ज्यादातर IPPs के जो पे बैक का दौरानिया जो है वो सिर्फ 2 से 4 साल के दरमियान रहा। रिपोर्ट बता रही है कि IPPs लॉबी इंक्वायरी जो है इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करने से भी रोकने के लिए तगोदोग करती रही, लेकिन वजीर आजम की हदायत पर 32 IPPs के साथ मौजों पर नजरसानी के लिए मुजाकरात शुरू हो चुके हैं, जिसकी सरबराही उमर अयूब कर रहे हैं जो वफाकी वजीर पावर डिवीजन है, और इसमें 6 रुकनी कमेटी जो है इस मुजाकरात में शामिल है। देखो जो कि IPPs के जो दावा है कि 600 अरब रुपए जो है इन्होंने देने ही है हुकूमत ने उनकी अदायगी के लिए, और जो सेटलमेंट हुई है उस मामले पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये तमाम तर मामला जो है वो डिस्कस होने हैं। लेकिन पावर जो इंक्वायरी कमेटी जो रिपोर्ट आई है वो नहायत ही अहम इंकशाफ कर रही है कि 4,802 अरब रुपए से जायद का जो नुकसान कौमी खजाने को किस तरह पहुंचाया गया इन 13 सालों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। पावर सेक्टर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद होशुरबा इंकशाफात सामने आ गए। 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सब्सिडी और गिरदिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है। अवैस क्यारी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, 13 सालों में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट बता रही है कि सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है और इससे बिजली के नरखों में कमी के लिए और गर्दिशी कर्जे की कमी के लिए हंगामी इकदाम की सिफारिश की गई है। ये बताया गया है कि सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे में सूबों को भी शामिल किया जाए और आइंदा 5 सालों तक नए पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की गई है। ज़ेर तामीर पावर प्लांट पर नजरसानी, 25 साल वाले जो प्लांट से बिजली खरीदना जो है वो बंद की जाए, ऐसा कहना है रिपोर्ट में। जबकि के इलेक्ट्रिक के 1600 मेगावाट के नए पावर प्लांट लगाने से भी रोकने की जो है सिफारिश की गई है। 16 IPPs ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की, जिसने 415 अरब रुपए से जायद का इन्होंने मुनाफा हासिल किया और ज्यादातर IPPs के जो पे बैक का दौरानिया जो है वो सिर्फ 2 से 4 साल के दरमियान रहा। रिपोर्ट बता रही है कि IPPs लॉबी